फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कार्मिक डेप्ट नंबर के बारे में। कार्मिक डेप्ट नंबर को कार्मिक ऋण नंबर भी बोलते हैं। कार्मिक डेप्ट नंबर चार टाइप के होते हैं, वो है 13, 14, 16 एंड 19। और ये चार नंबर अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में आते हैं, या लाइफ पाथ नंबर में आते हैं, या एक्सप्रेशन नंबर में आते हैं, पर्सनालिटी नंबर में आते हैं, हार्ट डिज़ायर नंबर में आते हैं, या इसेंस नंबर में आते हैं, तो उसका एक अलग मीनिंग होता है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम मेघा मौर्य, आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। तो आज हम बात करेंगे कार्मिक डेप्ट नंबर 13 के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी कि कार्मिक डेप्ट या कार्मिक ऋण नंबर किसे कहते हैं। तो रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि अपनी जो सोल होती है यानी कि आत्मा, वो हर बार जन्म लेती है, और हमने पिछले जन्म में जो भी कर्म किए हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को इस जन्म में रिजल्ट मिलता है। अगर हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छा काम किया है तो हमको इस जन्म में अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, और अगर हमने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए हैं तो इसका हमको इस जन्म में बर्डन या चैलेंज को फेस करना पड़ता है। तो इसी चैलेंज या बर्डन को हम लोग कार्मिक डेप्ट नंबर कहते हैं। फ्रेंड्स, तो बेसिकली जब कार्मिक डेप्ट नंबर हम लोगों के लाइफ में आता है तो ये एक चैलेंज क्रिएट करता है, हम लोगों को डिस्टर्ब करता है, या फिर हम लोगों को जो भी गोल्स है उसको अचीव करने में प्रॉब्लम्स लाता है। आज हम लोग जानेंगे कि ये नंबर क्या है और इसका क्या सॉल्यूशन है। अगर आपका बर्थ 13 तारीख को हुआ है या आपके पूरे डेट ऑफ बर्थ की टोटल 13 आती है तो इसका एक अलग मीनिंग होता है। और इस नंबर को कार्मिक डेप्ट नंबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नंबर शो करता है अपने पिछले जन्म में आपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से नहीं निभाए हैं। आप लोग एक बार में एक काम को पूरा नहीं करते हैं और आपका जो फोकस है वो दूसरी तरफ चला जाता है, क्योंकि ये जो नंबर है वो आपको किसी भी एक जगह पर फोकस नहीं करने देता है, यानी कि आपकी जो एनर्जी है वो स्कैटर्ड हो जाती है। आपके पिछले जन्म के कर्मों के बेसिस पर इस जन्म में आपको ये नंबर मिला है, आप कोई भी एक वर्क में फोकस नहीं कर पाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप कोई वर्क करते हैं तो उस वक्त आपको लगता है कि परेशानी आ रही है, आपको बहुत आलस आ रहा है, तो आप उसको आधे में छोड़ देते हैं और किसी दूसरे वर्क में आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, फिर आप उस वर्क को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, और इसी वजह से आपको आपके गोल्स अचीव करने में हमेशा बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, और इसी वजह से फिर आपको फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। नंबर 13 अगर आपके लाइफ में है तो इसका मतलब ये है कि पिछले जन्म में आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिला था, और जो भी कर्म आपने किए थे उस वजह से ये नंबर आपके लाइफ में फिर से आया है और आपको कुछ सिखाने आया है कि आप अपने डिसीजंस खुद लें और आप अपना काम खुद करें। लेकिन जब भी आप डिसीजंस लेते हैं और उस वर्क को पूरा करते हैं तो पूरा फोकस करें उस वर्क में, या उस वर्क को पूरी प्लानिंग के बाद ही करें, क्योंकि पैरेलली कोई भी वर्क करना या मल्टीटास्किंग होना ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी वजह से आप हर वर्क को टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपका फोकस डिस्टर्ब हो जाता है। यानी कि आप वर्क को स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन उसके बाद आप उस वर्क को बिना कंप्लीट किए ही छोड़ देते हैं, इसी वजह से आपके अंदर लेजीनेस और प्रोकास्टिनेशन आ जाता है, यानी कि आज का काम कल पर टालना और कल का जो काम है वो परसों पर टालना, और फिर आपके मन में ये फीलिंग आने लगती है कि अब हम क्या करें, ये वर्क तो मुझसे होगा ही नहीं, मेरी किस्मत ही ख़राब है, या मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ये सारी नेगेटिव थिंकिंग आपके अंदर आने लगती है। फ्रेंड्स, आप लोगों को किसी भी वर्क में रूल्स एंड रेगुलेशंस बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं। जैसे कि कोई भी इंसान बिना एग्ज़ाम दिए पास नहीं हो सकता या कुछ नहीं बन सकता, ठीक वैसे ही ये कार्मिक डेप्ट नंबर जो आया है आपके लाइफ में, ये आपकी एग्ज़ाम लेता है, आपको टेस्ट करता है, और अगर आपने इस नंबर से सीख लिया तो फिर आपकी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है, यानी कि आप एग्ज़ाम पास हो जाते हैं और आपका जो कार्मिक डेप्ट है वो पूरा हो जाता है। बेसिकली ये कार्मिक डेप्ट नंबर जब भी आपके लाइफ में आता है तो ये आपको डिसिप्लिन में नहीं रहने देता है, यानी कि आपके लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ आती रहती है, आप सक्सेस नहीं हो पाते हैं, या आपका हर वर्क देरी से होता है, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि आपको हर काम में वक्त लगता है,
या फिर आपके रिलेशंस में प्रॉब्लम आ जाती है और आप अपनी बातों को क्लियर तरीके से नहीं बोल पाते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स जो है फिर वो दूर हो जाएगी। इसीलिए नंबर 13 आपको यही सिखा रहा है कि आप अपना काम किसी भी एक चीज पर फोकस करके करें और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे तरीके से निभाएं। फ्रेंड्स, और रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं या फिर जो भी बहुत अच्छे लेवल पर है, उनकी लाइफ में ये कार्मिक डेप्थ नंबर 13 रहता ही है। लेकिन वो लोग अपने हार्ड वर्क से, कमिटमेंट से उस चीज़ को करते हैं और सक्सेस भी पाते हैं। आपको एक टारगेट सेट करना है और उस पर कंटिन्यूसली वर्क करना है, उस वर्क पर आपको फोकस करना है और डिसिप्लिन से उस वर्क को करना है। आप ऐसा करेंगे तो आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कार्मिक डेप्थ नंबर जो है, इसे दूर करने के लिए आपको एक ही चीज़ करनी है कि आप जो भी वर्क करते हैं उसमें आपको फोकस रहना है। फोकस करके ही आपको उस वर्क को करना है तो आप लोग ज़रूर सक्सेस होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।